धरती पर जीवन शुरू हुए करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं और आज ऐसा प्रतीत होता है कि हम इंसानों की गलतियों की वजह से एक दिन ये जीवनदायी धरती रहने योग्य नहीं बचेगी। यही कारण है कि इंसान कई दशकों से पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज में लगा हुआ है। पर ऐसा क्यों है कि जब कभी धरती के बाहर जीवन की बात होती है तो हमें मंगल और उसके बाद चांद ही याद आता है, जबकि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे और भी कई ग्रह मौजूद हैं। वैसे हमारे पड़ोसी ग्रह वीनस के बारे में आपकी क्या राय है? आज की वीडियो में हम चलेंगे वीनस ग्रह की यात्रा पर और अभी तक हुई साइंटिफिक रिसर्च और इस प्लेनेट के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के आधार पर जानेंगे कि यहाँ कोई जीवन की उम्मीद संभव है भी या नहीं। वीनस यानी शुक्र ग्रह हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस के करीब बना रहता है। इस ग्रह को हम अर्थ ट्विन के नाम से भी जानते हैं और इसका रीजन इसका साइज और स्ट्रक्चर है, जो कि हमारी धरती से काफी मिलता जुलता है। 14 सितंबर सन 2020 ब्रिटेन की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जेन ग्रीव्स के नेतृत्व में काम कर रही एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने हमारे पड़ोसी वीनस पर लाइफ के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। वास्तव में इन वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर जीवन के माइक्रोबियल फॉर्म की एग्जिस्टेंस के सबूतों को ढूंढ निकाला, जो कि हमारी वीनस के बारे में अब तक की समझ को चुनौती देने वाला था। हर कोई इस खबर को जानने के बाद यही कहता नजर आया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वीनस तो पिघला देने वाली एसिडिक रेन्स और सल्फ्यूरिक एसिड के भयावह मंजरों से भरपूर है, तो आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पहले हमें वीनस पर मौजूद कंडीशंस को डिकोड करना होगा। तो आइए चलते हैं धरती से तकरीबन 4 करोड़ मीलों की दूरी पर मौजूद इस खतरनाक दुनिया में, जहां पर हर वक्त पारा 800 डिग्री सेल्सियस के पार ही रहता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना अधिक होता है कि मानो आसमान फटकर ही सर पर आ जाए। इतने अधिक वायु दाब के बीच जिंदगी तो क्या, इंसानों द्वारा भेजे गए मिशंस का काम करना भी बड़ी बात मानी जाती है। यहाँ बताते चलें कि वीनस पर हवा का दबाव धरती से 93 गुना ज्यादा है। इसका बेहद घना और सघन वायुमंडल भरपूर है खतरनाक सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से, जिस कदर हमारी धरती की सतह पर रहते हुए हम पानी की बूंदों की बरसात का आनंद लेते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर आप वीनस की सतह पर बारिश का अनुभव लेने की कोशिश करेंगे तो पल भर में ही इसके वातावरण का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पानी नहीं बल्कि आसमान से तरल के रूप में मौत बरसती है। ये मंजर इतना भयावह है कि इसे सोचकर ही डर लगता है, इसके चित्रण मात्र से ही दिल दहल जाते हैं। लेकिन अगर वाकई शुक्र ग्रह इतना जानलेवा है तो आखिर वैज्ञानिक क्यों यहाँ जीवन की तलाश में जुटे हैं और इस तलाश में उन्हें ऐसा क्या मिल गया जिसने उन्हें इस खोज को और भी ज्यादा गहराई से करने पर मजबूर कर दिया? जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के एकदम अंत तक। तो तारीख थी 14 सितंबर सन 2020 की, जब प्रोफेसर जेन ग्रीव्स और उनकी टीम हवाई स्थित जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप को शुक्र ग्रह की ओर मोड़कर उसका अध्ययन कर रहे थे। इस ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने शुक्र ग्रह की तस्वीरें ली और साथ ही उन तस्वीरों की केमिस्ट्री पता लगाने पर उन्होंने पाया कि उस इमेज में फॉस्फीन के कुछ ट्रेसेस डिटेक्ट हुए हैं। दरअसल फॉस्फीन यानी कि PH3 वो गैस है जिसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब बगैर ऑक्सीजन के सांस लेने वाले क्रीचर से है। इस तरह के क्रीचर्स आमतौर पर माइक्रोबियल फॉर्म में ही मौजूद होते हैं और शुक्र ग्रह के लिए भी ठीक यही संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ भी जिंदगी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में ही पनप रही होगी। मगर यहाँ इस बात को साबित कर पाना इतना भी आसान नहीं था। इसमें दो और पेच भी थे जिन पर हमारे इन फॉस्फीन ट्रेसेस को खरा उतरना बेहद जरूरी था, ये साबित करने के लिए कि वाकई शुक्र ग्रह पर जिंदगी है या फिर कम से कम वहाँ जिंदगी के पनपने के आसार तो मौजूद है ही। यहाँ वैज्ञानिक दो खेमों में बट गए, जिनमें पहले वो हैं जिन्होंने इन सबूतों के मिलने के बाद शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को अपनी मान्यता दी और वो आगे की रिसर्च में जुट गए, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं तो शुक्र ग्रह पर जीवन पल रहा होगा, अब चाहे वो कितनी ही अजीब और सूक्ष्म रूप में क्यों ना हो। वहीं वैज्ञानिकों का एक पलड़ा ऐसा भी था जो इस तरह की किसी भी संभावनाओं को सिरे से खारिज कर रहा था। इन एस्ट्रोनॉमर्स का ये स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि शुक्र ग्रह पर लाइफ इम्पॉसिबल है, चाहे कितने भी दावे क्यों ना हो, जब तक वीनस पर लाइफ का कोई पुख्ता सबूत ना मिले तब तक ये माना ही नहीं जा सकता कि इस बेजान ग्रह पर भी कोई जिंदगी पल सकती है।
इस कड़ी में विश्वास करने वाले खोजकर्ताओं के लिए सबसे अहम चुनौती है इस सवाल का जवाब तलाशना कि आखिर वो गैस वहाँ वीनस पर पहुँची कैसे। इस हवाले से अमेरिका की मशहूर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहे केमिकल इंजीनियर और साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम वेरिस फॉस्फीन गैस पर अपनी थीसिस में बताते हैं। फॉस्फीन गैस के प्रोडक्शन का एकमात्र सोर्स ऑर्गेनिक क्रीचर ही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को कैरी आउट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इस गैस का उत्सर्जन कर सकते हैं, जिसके सिवाय फॉस्फीन का कोई और नेचुरल सोर्स मौजूद नहीं है। अगर फॉस्फीन पर और ज्यादा फोकस करें तो हमें मालूम चलेगा कि ये गैस इन माइक्रोबियल क्रिएचर्स के लिए किसी वेस्ट प्रोडक्ट जैसी ही है। जिस तरह हम इंसान ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और फिर बाई प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो एक्सहेलेशन में फॉस्फीन को छोड़ते हैं। बट ह्यूमंस और इन बैक्टीरियाज के रेस्पिरेशन में जो एक मेजर डिफरेंस है वो है एनर्जी का कन्वर्जन। ये तो हम सभी जानते हैं कि फिजिक्स के लॉज के मुताबिक ना ही एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उस एनर्जी को किसी तरह से डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है। वो केवल अलग अलग रिएक्शंस में अपनी फॉर्म्स को चेंज कर लेती है। ठीक इसी तरह रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन इनहेल करने वाली बॉडीज इस प्रोसेस में एनर्जी को गेन करती है। तो वहीं दूसरी ओर फॉस्फीन एक्सहेल करने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम्स में एनर्जी का लॉस हो जाता है। इस पर वैज्ञानिकों का ये तर्क है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद ये क्रिएचर्स खतरों से अपनी हिफाजत के लिए ऐसा करते होंगे। लिहाजा अब तक ये बात ना ही साइंटिफिकली प्रूवन है और ना ही विज्ञान की कसौटियों पर 100% खरी। खैर यहाँ पर आप फॉस्फीन गैस की पूरी कहानी समझ चुके होंगे, मगर यहाँ असल मुद्दा फॉस्फीन के वीनस कनेक्शन का है, या फिर और भी अधिक स्पष्ट कहें तो शुक्र ग्रह पर जीवन का। मगर जो एक क्लू वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर जीवन का पाया वो इस गैस के बीच से होता हुआ गुजरता है। इस पर मजीद जानकारी देते हुए डॉक्टर विलियम बैरिस अपनी रिसर्च रिपोर्ट में लिखते हैं, जितनी खास इस गैस की कॉम्पोजिशन है उतनी ही आश्चर्यजनक रूप से ये विहेव भी करती है। निसंदेह ये इंसानों के लिए घातक है। इसका एक्सपोजर हम इंसानों को मौत के घाट भी उतार सकता है। इसकी गंध किसी सड़ी हुई मछली जैसी होती है, और तो और इसमें इतनी अधिक मात्रा में फ्यूम्स उठती हैं कि अगर आप इसे एक कांच की बर्तनी में भर के छोड़ दें तो महज 10 मिनट लगेंगे उस गैस को जार फोड़ कर बाहर निकलने में। इन सब बातों से एक बात तो स्पष्ट होती है कि वीनस पर अगर जिंदगी मौजूद भी है तो वो इंसानों से पूरी तरह अलग ही होगी। उसका बायोलॉजिकल सिस्टम, डीएनए की बनावट और जीने का ढंग हम इंसानों की अपेक्षा काफी अलग होगा। प्रोफेसर जेन ग्रीव्स और उनकी टीम ने न केवल इस गैस को डिटेक्ट किया बल्कि प्राप्त हुए डेटा को फर्दर और भी ज्यादा स्टडी करके शुक्र ग्रह पर मौजूद फॉस्फीन गैस की मात्रा का भी अंदाजा लगाया, जो धरती से महज 3.5% ही ज्यादा निकली। लेकिन फिर भी इतना छोटा ही सही, मगर ये अंश वहाँ पहुँचा कैसे? क्या इसे वीनस पर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने प्रोड्यूस किया, या फिर सुदूर किसी दूसरे एलियन प्लेनेट से आए एलियंस ने वहाँ एक आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में इसे डेवलप किया? ये वो सवाल है जो आज भी शुक्र ग्रह के बादलों की तरह गहराए हुए हैं, और लगातार इन सवालों के जवाबों की तलाश जारी है। नासा और ईएसए ने भविष्य के लिए अपने कुछ वीनस मिशंस भी प्लान किए हैं, जो वहां जाकर हमें इस इवनिंग स्टार की ओर से भी बारीकी से जानकारी देंगे। इसके अलावा इसरो भी जल्द से जल्द शुक्रयान मिशन को लॉन्च करने जा रहा है, जो इस भयानक ग्रह की अनसुलझी पहेलियों से हम इंसानों को अवगत करवाएगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इसरो के इस फ्यूचर मिशन पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हम मिलते हैं एक ऐसी ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।